IAS पूजा खेड़कर, नाम तो आपने सुना ही होगा। कुछ दिनों से विवादों में रहने वाली ये लड़की IAS पूजा खेड़कर अफसर मोहतरबा अब IAS अफसर नहीं रही है, क्योंकि UPSC ने इनका सिलेक्शन ही रद्द कर दिया। यहाँ तक कि एक लिमिट और बैन भी लगा दिया कि अब ये कोई एग्जाम भी नहीं दे पाएगी UPSC का। इन पर आरोप है कि इन्होंने पहचान बदल कर परीक्षा दी थी। ना सिर्फ ये एक अकेला आरोप बल्कि 10 ऐसे गंभीर और गमगीन आरोप लगाए हैं इन पर, जिसकी बदौलत अब पूजा खेड़कर की अफसरी छिन चुकी है। भविष्य में भी ये कभी IAS IPS नहीं बन पाएगी। आइए देखते हैं दोस्तों, UPSC की तरफ से इन पर क्या बड़ा एक्शन लिया गया और किन वजहों से इनका IAS सिलेक्शन रद्द किया गया, जबकि अच्छी खासी रैंक थी इनकी और अच्छी खासी अफसर की पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हो चुका था। पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार बताऊंगा, इन्होंने क्या गलतियां की हैं, जो गलतियां अब आगे कभी कोई भी भविष्य में स्टूडेंट लड़का लड़की छात्र छात्रा ना करें, ताकि उनके द्वारा की हुई इतनी मेहनत नौकरी कभी छिन ना पाए। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये पूजा खेड़कर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि उनका अपंगता या विकलांगता प्रमाण पत्र है। इसमें भी उन्होंने क्या जालसाजी की बताऊंगा आपको। आज UPSC की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन जारी किया गया, ये देख सकते हैं। इसमें आप ऊपर ही ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है, UPSC कैंसल्स प्रोविजनल कैंडिडेचर ऑफ MS यानी मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, ये इनका पूरा नाम है, एंड परमानेंटली डिबेट्स हर फ्रॉम ऑल द फ्यूचर एग्जाम्स सिलेक्शंस। अब ये UPSC ने अपने नोटिस में तीसरे पॉइंट में क्या बात लिखी है, इस पॉइंट को हिंदी में समझिए जरा। UPSC ने मौजूदा रिकॉर्ड की सावधानी पूर्वक जांच की और पूजा खेड़कर को CSE 2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन करने का दोषी पाया है। CSE 2022 के लिए उनकी प्रोविजनल कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है, साथ ही उन्हें UPSC की सभी परीक्षाओं या सिलेक्शन से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। दोस्तों, पूजा खेड़कर जो अच्छी खासी IAS की पोजीशन पर थी, अफसर थी, इनके पास 22 करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति है। इनसे ये सालाना 42 लाख की कमाई भी करती है, और जिस ऑडी कार पर इन्होंने लाल नीली बत्ती लगवाई थी, अपनी खुद की कार है, उस पर 26,000 रुपए का चालान भी बकाया है। महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ये ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर, जिनका UPSC सिलेक्शन को लेकर काफी विवाद था, अब आखिरकार वो विवाद थम चुका है। जब उनके नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था, पता चला था कि पूजा खेड़कर के करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है वो। तब से इनकी जांच शुरू हुई और जांच में एक के बाद एक कई नए खुलासे देखने को मिले। सबसे पहले इनकी प्रोफाइल समझिए दोस्तों, कौन है पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर 2023 बैच की IAS अधिकारी है, UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक AIR 841 हासिल की। उनके पिता दिलीप खेड़कर भी एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी है। पूजा को परमानेंट नियुक्ति से पहले एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर तैनात किया गया था, और इनकी सबसे पहली मिस्टेक थी कि वह सायरन और VIP नंबर प्लेट वाली एक निजी ओडी कार का उपयोग कर रही थी, जिसके चलते उनका पुणे से वासिम ट्रांसफर कर दिया गया। हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा, पूजा खेड़कर की माँ एक पिस्तौल लहराती हुई दिखती है, जिसमें किसानों को धमकाने का आरोप लगा था उन पर। लेकिन इस खुलासे के बाद पूजा खेड़कर के खुद के ऊपर भी एक के बाद एक कई आरोप लगे। अभी UPSC ने खुद आरोप लगाया कि उसने अपना माँ बाप का नाम बदला, फिर बनवाया OBC सर्टिफिकेट। UPSC ने खुद बताया पूजा खेड़कर के कारनामे। तो अब सिलसिलेवार 10 पॉइंट में समझिए दोस्तों, पूजा खेड़कर को आखिर UPSC ने ये बड़ा झटका क्यों दिया, क्यों उनकी IAS की नौकरी रद्द कर दी गई। पूजा खेड़कर से जुड़े 10 विवाद। पहला, अपनी पर्सनल ओडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवाने के बाद ये सुर्खियों में आई। ये कार एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। दूसरा, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही VIP नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी, आवास, स्टाफ के साथ चेंबर और एक कांस्टेबल की मांग की इन्होंने। ये सुविधाएं सिर्फ सीनियर अधिकारियों को मिलती है, लेकिन इन्होंने पहले से ही मांग की, तब भी ये विवादों में आई थी। तीसरा, पिता ने बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव डाला और पूजा ने सीनियर ऑफिसर अजय मौर्य के चेंबर पर कब्जा करने के लिए वहां से उनका नेम प्लेट भी हटा दिया, तब भी ये विवादों में रही। चौथा, इन्होंने खुद को OBC कैटेगरी से होने का दावा किया, जबकि OBC सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की सालाना इनकम 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, जबकि चुनावी हलफनामे में उनके पिता की सालाना इनकम 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति 40 करोड़ है। उसके बावजूद इन्होंने अपने माता पिता का नाम बदला, पहचान बदली और OBC सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। पांचवा, UPSC को दिए हलफनामे में मानसिक रूप से अक्षम होने और देखने में भी दिक्कत होने का दावा किया गया और परीक्षा के दौरान विशेष आवास की मांग भी की, लेकिन अब तक ये 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से इनकार कर चुकी है। छठा, महाराष्ट्र पुणे और अहमदनगर में 7 अचल संपत्तियां हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 17 से 22 करोड़ के बीच है। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनकी मां ने गिफ्ट की है। सातों प्रॉपर्टी से हर साल 42 लाख रुपए कमा रही पूजा। सातवा, पूजा पर नाम बदलकर UPSC परीक्षा देने का भी आरोप है। 2019-20 में पूजा का नाम पूजा दिलीप राव खेड़कर था, लेकिन 2021-22 में पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर कर लिया, और 2019-20 तक इनके पिता के नाम की स्पेलिंग DILIP थी, इसे 2021 में बदलकर DEELIP कर दिया गया।
आखिर इतने बड़े बदलाव क्यों कर रही थी एक पूजा जो आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद। आठवां पॉइंट समझिए, फर्जी दस्तावेजों से 11 बार यूपीएससी परीक्षा देने की भी बात सामने आई है, जबकि ओबीसी वर्ग को 35 साल तक 9 मौके ही मिलते हैं, वहीं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को तो 32 साल तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। नवां, पूजा ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सीएटी में 2020 में लगाए आवेदन में अपनी उम्र 30 साल बताई, वहीं 2023 में दिए आवेदन में उन्होंने अपनी उम्र 31 साल बताई, जबकि 2020 से 23 के बीच 3 साल का अंतराल था लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 1 साल ही बढ़ी। और दसवां विवाद देखिए पूजा से जुड़ा, पूजा के कई विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं। 2018-2021 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की ओर से जारी 2 विकलांग सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंपे थे। नियमों के तहत सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में राशन कार्ड लगाया गया था। तो ये तो 10 ऐसे विवाद जो पूजा खेड़कर से जुड़े रहे। अब इन विवादों में देखिए जांच में क्या क्या खुलासे सामने आए हैं। पूजा खेड़कर पर अभी यूपीएससी ने खुद ये आरोप लगाए हैं कि फर्जी पहचान पत्र बनवाए इन्होंने, धोखाधड़ी से यूपीएससी की परीक्षा पास की जिसकी हकदार नहीं वो सुविधाएं मांगी, वरिष्ठ अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा किया, अपने पद का बेंजा दुरुपयोग किया, निजी ओडी कार में लाल बत्ती लगवाई और निजी कार में महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया। तो इन सभी विवादों और कारणों के चलते आखिरकार ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर अब अफसर नहीं रहेगी। यूपीएससी ने आज बुधवार 31 जुलाई को उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया और ये भी कहा कि वह भविष्य में कोई भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाएगी। पूजा पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदल कर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज एग्जाम देने का आरोप था और जांच के बाद इन सभी आरोपों में पूजा नियमों का उल्लंघन करते हुए दोषी पाई गई। यूपीएससी ने यह भी कहा कि पूजा को 2 बार समय दिया गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, पूजा ने रूल्स तोड़े हैं। आपको बता दूं पूजा खेड़कर पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, जबकि 17 से 22 करोड़ संपत्ति की मालकिन हैं और इनके पिता दिलीप राव खेड़कर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी हैं। पूजा की मां मनोरमा भलगांव की सरपंच भी हैं। काफी पहुंचे हुए खानदान की है ये मतलब। उसके बावजूद यूपीएससी ने जांच के बाद दोषी पाया और तुरंत प्रभाव से इन्हें आईएएस अफसर अधिकारी के पद से हटा दिया। मतलब गलत काम की सजा जरूर मिलती है। दोस्तों अगर आप भी एक स्टूडेंट है, छात्र छात्रा है, तो मैं आपको एक अपनी तरफ से एक छोटी सी राय देना चाहूंगा। जिंदगी में हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करें। ऐसे कभी धोखाधड़ी से या चीटिंग बाजी करके किसी दूसरे की पोस्ट का सिलेक्शन छीन कर अपनी पोस्ट करवा लेना ये गलत बात है और गलत काम का नतीजा जरूर मिलता है, सजा जरूर मिलती है, देर से सही लेकिन मिलती जरूर है। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है, इसलिए जीवन में हमेशा चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई बिजनेस काम धंधा नौकरी कर रहे हो, जरूरी नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अपनी मेहनत पर विश्वास करें और अपनी मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ने की फल पाने की इच्छा रखें। और आपकी क्या राय है दोस्तों पूजा खेड़कर को लेकर, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव खबरें रोजाना देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।